संभवतः आत्महत्या संधि में 33 वर्षीय जुनून को बाध्यकारी विकार से मर जाना। किशोरावस्था के रूप में जुनूनी बाध्यकारी विकार के निदान के साथ जुड़वा बहनों की जान उन सभी चीजों में घृणा से भरी हुई थी। सारा और अमांडा एलरिच में 10 घंटों के ऊपर चलने वाली बारिश होगी। ब्रूमफील्ड कोलोराडो की अविभाज्य जुड़वा बहनों में हर दिन शराब रगड़ने की 5 बोतलों के माध्यम से जाती है। जब तक कि इसे जला नहीं किया जाता है तब तक उनकी त्वचा निर्वह हो जाती है। वे शायद ही कभी घर छोड़ दिया। जब उन्होंने किया तो वे सार्वजनिक विश्राम गृहों का उपयोग करने से बचने के लिए निर्जलीकरण के बिंदु तक पहले खाने और पीने के घंटा बंद कर देंगे। उन्होंने स्थानीय टेलीविजन स्टेशन को बताया कि 2016 में 9 समाचार किशोरावस्था के रूप में जुनूनी बाध्यकारी विकार के निदान के साथ जुड़वा बहनों की जान उन सभी चीजों में घृणा से भरी हुई थी। उनके दिमाग में सब कुछ गंदे था और साफ होने की जरूरत थी। अमांडा एलरिच ने 9 समाचारों को बताया, यह किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना जैसा है जिसे आप बंदूक की नोके पर पकड़ रहे हैं। आप बिल्कुल क्या करना है, वे कहते हैं। कमजोर कर देने वाली विकार ने नौकरियों को बनाए रखने या दोस्ती बनाए रखने में असमर्थ एलरिच बहनों को बनाया। उन्होंने दवा परामर्श और सम्मोहन की कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। 13 वर्ष की उम्र के बाद से उन्होंने स्वयं दोनों को आत्महत्या माना था, उन्होंने 9 नवंबर को बताया। फिर 2015 के वसंत में पहने जमीन पर चलने वाली सर्जरी कर रही थीं जो राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करती थीं। वे कोलोराडो में पहले रोगियों को गहरी दिमागी उत्तेजना से गुजरना ओसीडी का इलाज करने के लिए सामान्य रूप से पार्किंसन के रोगियों पर प्रयुक्त सर्जिकल थेरेपी बन गए। बहनों ने एक स्थानीय टेलीविजन सेगमेंट में सिंडिकेटेड टॉक शो द डॉक्टर्स की प्रक्रिया और अस्पताल के प्रकाशन में लिटिलटन डेंटिस्ट को बताया। एलरिच परिवार ने एक आकस्मिक धन के रूप में सर्जरी का स्वागत किया। मुझे लगता है कि मैं अपनी चिंता की पहचान कर सकता हूँ, सारा ने अस्पताल से कहा, और मुझे लगता है कि मैं इसके साथ सौदा कर सकता हूँ। अमांडा ने कहा, मैं वास्तव में ऐसा महसूस नहीं करता हूँ कि मैं अपने अस्तित्व के साथ युद्ध में हूँ। मैं नौकरी पाने के लिए और फर्क करने के लिए पर्याप्त कार्यशील हो सकता हूँ। वहाँ एक ऐसी दुनिया है जहाँ मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ। शुक्रवार को बहनों की सफलता की कहानी एक दुखद अंत में थी। अमांडा और सारा एलरिच को गोलीबारी के घावों से मृत पाया गया। फ्रेमोट काउंटी शेरिफ कार्यालय ने कैनन सिटी डेली रिकॉर्ड को बताया, वे एक कार में पाए गए रॉयल गॉर्ज ब्रिज के पुल के पास एक आराम क्षेत्र में और पार्क में कैनन सिटी में पार्क किया गया। बहने एक आत्मघाती संधि में शहीद की प्रवक्ता एसजीटी की मौत के दौरान मर गई हैं। मेगन रिचर्ड्स ने कोलोराडो स्प्रिंग्स गैजेट को बताया, वे 33 साल के थे। जुड़वा की मां के लिए बनाई गई गोफन में पेज सृजनशील कलात्मक बुद्धिमान करुणामय दयालु और उदार लोगों के रूप में अमांडा और सारा एलरिच का वर्णन करता है, जो जानवरों से प्यार करते हैं, खासकर उनके 3 कुत्ते। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर सब कुछ किया। उन्होंने यहाँ तक कि एक संयुक्त फेसबुक पेज भी साझा किया जहाँ उन्होंने स्थानीय हास्य पुस्तक स्टो में सिटी ऑफ डेड और फ्रीलांस मनोरंजन नामक एक स्थानीय प्रेतवाधित घर में खुद को अभिनेता पिशाच बताया। उन्होंने कम से कम एक छोटी हॉरर फिल्म में अभिनय किया। जुड़ने की प्रगति के बाद उनकी अग्रणी 2015 सर्जरी सभी उम्मीदों को पार कर गई और उन्होंने पिछले 3 सालों में एक पूरे जीवन काल को पैक किया। गोफन में प्रश्न पड़ा लेकिन मानसिक बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है और अंततः वे इस घातक बीमारी से निधन हो गए। प्रश्न पड़ा जुड़वा अपनी बीमारी के विभिन्न रूपों से जूझ रहे थे क्योंकि वे युवा लड़कियां थीं। द डॉक्टरों
पर बोलते हुए उनकी माँ कैथी वॉरलंच ने अपने बच्चा बेटियों को अपने जूते या मोजे लगाने की लंबी खींचा जाने वाली प्रक्रिया के साथ मदद करने का वर्णन किया। उनकी माँ ने कहा, उनके मोजे में कोई झुर्रियां नहीं हो सकती थी और उनके जूते को सिर्फ एक निश्चित तरीके से बांधा जाना था। यह प्रक्रिया एक आधे घंटे 45 मिनट एक घंटे तक चल सकती है। प्रारंभिक समय पर उन्होंने हाइपोकॉन्ड्रिया और क्रिक्रियोलिकोजी विकसित की। अमांडा एलरच ने 2016 के खंड में 9 नवंबर को बताया, जो बाद में नरक में जाने का लगातार डर है। यौवन के बाद उनकी आशंकाएं भी बदतर हो गईं। वे प्रत्येक शावक के दौरान साबुन की पूरी पट्टी के माध्यम से प्राप्त करते थे, जब तक कि वे त्वचा के ऊपर की परत को हटा नहीं देते थे। उन्होंने डॉक्टरों को बताया, उनकी ओसीडी खराब और बदतर हो गई। उनकी मां ने अस्पताल प्रकाशन में कहा था, उच्च विद्यालय के स्नातक होने के बाद वे अपने बेड से पीछे हट गए। उन्होंने अगले साल के अप्रैल तक घर नहीं छोड़ा। वे अपने चेहरे पर इतना हाइड्रोजन परोक्साइड का प्रयोग करेंगे कि उनके भौहे नारंगी बदलेंगे। वे इतने लंबे समय तक स्नान करेंगे कि पानी रसोई के माध्यम से छीन लेगा। उनकी मां ने डॉक्टरों को बताया, हम अपने दोस्तों के साथ संपर्क खोना शुरू कर दिया। सारा ने डॉक्टरों को बताया, जब आप स्नान करने के लिए पूरे दिन लेते हैं तो आप कभी भी उनसे मिलना नहीं जा रहे हैं। उन्होंने हमें बुलाया है। उनका आगाव अवसाद के कारण हुआ और हमारे देर से बिस्वा दशा के अंत तक हम पूरी तरह से जीवन पर पूरी तरह से हार गए। सारा ने द डॉक्टरों को बताया, गहरी मस्तिष्क उत्तेजना सर्जरी जुराबे अंतिम उपाय था। प्रक्रिया के दौरान डॉक्टरों ने इलेक्ट्रिक तारों को नीचे रखा।